start with the second Bohr's third postulate. So now what you understood till now, एक न्यूक्लियस है जिसमें मैंने इलेक्ट्रॉन ले लिया थर्ड ऑर्बिट में, एंड इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू व्हाट, फर्स्ट ऑर्बिट. और क्वेश्चन वाज लाइक दिस कि एनर्जी कहाँ पे ज्यादा होगी. तो स्टूडेंट्स बोलते कॉमन सेंस, एनर्जी ज्यादा होगी थर्ड ऑर्बिट पे और एनर्जी कम होगी फर्स्ट ऑर्बिट में. तो मैंने उस स्टूडेंट्स का क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा अपने स्टूडेंट्स को पूछा, तो मुझे एक बताओ, डेफिनेटली E3 के पास सपोज एनर्जी है 7 जूल और 6 जूल, ठीक है. और जब वो जंप मार के आया E1 पे तो उसकी एनर्जी हो गई 2 जूल, ओके. तो माय क्वेश्चन इज व्हाट, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट उसकी एनर्जी तो डेफिनेटली कम होगी. तो मतलब अभी क्वेश्चन इज व्हाट, 6 का 2 बन गया तो 4 जूल एनर्जी किधर गई, 4 जूल एनर्जी किधर गई, वेयर इज व्हाट. हेलो, सेकेंड ऑर्बिट में नहीं. मेरा क्वेरी क्या है, बरोबर से देखना बिकॉज इट्स लिटिल बिट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. एक कंसेप्ट होने के बाद हम लोग सेकेंड सेशन चालू करेंगे बिकॉज 45 मिनट हो जाएगा. बरोबर से देखना, सेकेंड ऑर्बिट में कुछ है ही नहीं, सेकेंड ऑर्बिट का कुछ इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं. इलेक्ट्रॉन जंप मारता है थर्ड टू डायरेक्ट फर्स्ट पे, तो क्वेरी क्या है, 4 जूल एनर्जी किधर गई, 4 जूल एनर्जी कहाँ पे गई. तो मैंने पूछा भाई किधर गई, तो स्टूडेंट बोलता है बरोबर है किधर गई. तो मैंने बोर्स को पूछा, तो बोर्स ने क्या बोला, बोर्स कहता है, लिसन ना स्टूडेंट्स और अभी कॉन्सेंट्रेट, इन एनी एटम व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, तो यहाँ पे एन स्टैंड फॉर वॉट, 3 के जगह पे हम लोग एन बोलेंगे, एन इज वॉट हायर ऑर्बिट, और फर्स्ट ऑर्बिट को बोलेंगे पी ऑर्बिट. तो कोई भी हायर ऑर्बिट से जब लोअर ऑर्बिट पे कोई भी इलेक्ट्रॉन जंप मारता है तो एनर्जी उसकी कम हो जाती है, बराबर है, पर जो माइनस हुई एनर्जी किधर जाती है, तो बोर्स कहता है वो एनर्जी कन्वर्ट होती है, लिसन ना स्टूडेंट्स, फोटोन एनर्जी में. इट्स नॉट प्रोटॉन, इट्स अ फोटोन. फोटोन मतलब व्हाट, लाइट एनर्जी. तो व्हाट इज बोर्स थर्ड ऑर्बिट स्टेट्स दैट कि डिफरेंस इन व्हाट एनर्जी लेवल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय एच मल्टीप्लाई बाय न्यू. व्हाट इज एच हियर, H is called Planck's constant. जो तुम लोगों को पता है उसकी वैल्यू. What is Planck's constant is given by 6.63 × 10⁻³⁴ SI unit. And what is nu stands for? Nu stands for frequency of radiation. Frequency of radiation. तो वापस मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, बरोबर से देखना. When electron or of a constant Bohr's third postulate. Bohr's third postulate states that when electron jump from higher orbit to lower orbit, when electron jump from higher stationary orbit to lower stationary orbit, it radiates energy. तो एक energy वो radiate करेगा यहाँ पे ऐसे बाहर फेंकेगा. It radiates energy equal to difference in energy of electron in the two orbit. It radiates energy in the form of photon. समझ में आया? All of you copy fast.